कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त आज अपनी पत्नी मान्यता दत्त और फिल्म प्रस्थानम की टीम के साथ राजधानी लखनऊ पहुंचे। जी हाँ, संजय दत्त ने अब अपनी पारी का एक नया आगाज़ किया है। अब उनकी पत्नी प्रोड्यूसर हो गई हैं, एक प्रोडक्शन कंपनी ये लोग चला रहे हैं जिसके तहत बहुत सारी वेब सीरीज फिल्म्स का निर्माण अब किया जाएगा। कल ट्रेलर लॉन्च किया गया था प्रस्थानम का और आज दूसरे दिन राजधानी लखनऊ के नवाबों के मेहमान बने प्रस्थानम की टीम के सारे कलाकार। और आज यहाँ पर फिल्म का ट्रेलर के लिए एक जो शीर्षक गीत है प्रस्थानम का, टाइटल सॉन्ग, उसको रिलीज़ किया गया। इस गीत को फरहाद समजी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है, वहीं देवनागी ने नेगी ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों, ये राजनीतिक के बेस पर ये फिल्म बनी है। संजय दत्त इसमें पिता का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी पे हम आगे बात करेंगे। देवी कट्टा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और संजय दत्त के साथ साथ संजय दत्त तो है ही हैं, मान्यता दत्त ने इस फिल्म को का निर्माण किया है। प्रस्थानम के और सितारों की बात करें तो मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, अली फजल, अमायरा दस्तूर और सत्यजीत दुबे हैं। 20 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और उससे पहले सभी शहरों में संजय दत्त खुद अपनी वाइफ मान्यता के साथ जा कर के बाकायदा प्रमोशन कर रहे हैं। संजय दत्त ने लखनऊ को लेकर के कहा कि यहाँ से मुझे बहुत लगाव है और मैं बराबर जब मौका मिलता है तो मैं यहाँ आता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि प्रस्थानम की लगभग 90% शूटिंग लखनऊ में हुई है। और लखनऊ के खाने की तारीफ़ करते हुए, लखनऊ की तहजीब की बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि मैं इस पूरी फिल्म को यूपी को डेडिकेटेड करता हूं, यूपी को समर्पित करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है, राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें संजय दत्त जो हैं वो बलदेव प्रताप सिंह बने हैं, एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, बाहुबली हैं, और जैकी श्रॉफ उनके साथ रहते हैं, उनके बॉडीगार्ड, उनके अनुरक्षक हैं। वहीं उनके दो लड़के जिनमें कि एक अली फजल बने हैं, दूसरा सत्यजीत दुबे बने हैं, और दोनों के बीच में कुछ टकराव होता है और अंत में पिता को एक का चुनाव करना पड़ता है। तो दोस्तों, बड़ी मतलब ट्रेजडी, ड्रामा, एक्शन सभी कुछ इस फिल्म में है, ऐसा संजय दत्त ने आज बताया। एक तरफ तो बलदेव का साम्राज्य है, उसकी अखंडता है, दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां हैं, अधिकार हैं, गलतियां हैं। तो एक महाकाव्य यात्रा जैसी ये फिल्म है जिसे देव कट्टा ने निर्देशित किया है। संजय दत्त और मान्यता दत्त ने बताया कि अब आने वाले समय में वो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आने वाले हैं और यहीं उत्तर प्रदेश में संजय दत्त अपनी माताजी नरगिस दत्त के नाम से कैंसर का एक अस्पताल बनवाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है, सरकार से भी कुछ बात हुई है। और हाँ, फिल्म प्रस्थानम को लेकर के उद्योग बंधु से भी इनको संजय दत्त और मान्यता दत्त को बड़ी राहत मिली है, काफ़ी कोऑपरेट किया गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा कि हमने उत्तर प्रदेश में आकर के ये फिल्म बनाई। और उत्तर प्रदेश को, खास तौर से लखनऊ को चुनने का कारण यही था क्योंकि फिल्म की कहानी राजनीति है और बॉलीवुड में यूपी का राजनीतिक अगर कहना चाहिए कि तड़का ना लगा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आइए अली फजल और दोनों से बात। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सही इसलिए है क्योंकि फिल्में इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमारी कहानियाँ सब छोटे शहरों से आती हैं, जब वहाँ से निकलती हैं सब कनेक्ट करते हैं क्योंकि सबसे द लार्जेस्ट ऑडियंस दैट वी हैव बिलोंग्स टू यूपी, बिहार, नॉर्थ से बहुत आती हैं, काफ़ी डिफरेंट एरियाज हैं, बनारस है, तो मिर्ज़ापुर में बनारस हमने एक्सप्लोर किया था, मिर्ज़ापुर एंड ऑल दैट। इसमें लखनऊ, कानपुर होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक इन द इंडियन डेमोक्रेसी और आई फील दिस स्टोरी कनेक्ट्स विद एवरीवन, इट विल, सो आई थिंक वी आर जस्ट होपिंग कि चले और लोगों को पसंद आए। पॉलिटिक्स का जो गढ़ है वो यूपी है, हमारी फिल्म जो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, ये इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म बट इट इज़ द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। इट कुड हैव बीन सेट इन एनी एनवायरनमेंट, मे बी अ कॉर्पोरेट हाउस और अ बिल्डर लॉबी, इट कुड सफाइड फॉर लेगेसी, फॉर पोजिशनिंग योर सेल्फ इन सोसाइटी। सो लेकिन क्योंकि हमने इसका बैकड्रॉप पॉलिटिक्स चुना है, आई थिंक यूपी से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी इसको शूट करने की। With Film Bandhu and they've been very helpful and they're really doing a great job promoting UP in the film fraternity, so it's nice. That was also the UP has of its own, so that's why we got Prasthanam to UP
my other two films are definitely not UPI, so it's not just the subsidy, it's the setup, the backdrop requirement, right? I think I'm the only one who doesn't kill people. like you said, mera kirdar ka naam Shivi hai. She's a very sweet girl. She's come from America actually, and she's come to learn about politics. So that's when she actually meets this entire family, and she meets Ali's character, and you know. मेरा दूसरा घर है और बचपन से यहाँ आता रहता हूँ और ख़ास बात यहाँ की जो तहजीब है और यहाँ के जो लोग हैं और बहुत प्यार है और यहाँ का खाना तो सबसे अच्छा है। एडाप्टेशन है तेलुगु की, लेकिन एग्जैक्ट तेलुगु पिक्चर नहीं है, ये अडेप्ट करना पड़ता है, किया है और पावरफुल पिक्चर है और बस जैसे वहाँ अवार्ड मिला आप दुआ कीजिए यहाँ पे भी अवार्ड मिल जाए। जब बीवी एक प्रोड्यूसर बन जाती है तो फिर जैसे घर घर का मामला होता है कि एक घर पे बीवी कैसी होती है, वैसे ही ये सेट पे थी। लेकिन हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं, एंड आई वांट टू थैंक अली एंड जैकी दा चंकी एंड सत्यजीत एंड अमायरा मनीषा एंड एवरीबॉडी, क्योंकि जो डेट कमिट की गई थी वो डेट सबने निभाया और ये पिक्चर टाइम पे बनी। मैं तो वो नहीं डेडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर यूपी को डेडिकेट करूँ।